जनशक्ति मंत्रालय के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार लोगों के साथ भेदभाव कर रही है। राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत जो पाइपों की खरीद और उनको बांटने का काम है उसमें बंदरबांट की जा रही है। मंत्री महोदय की बयानबाजी विरोधाभासी है। वो कह रहे हैं कि पूरे हिमाचल प्रदेश में सब जगह पाइपों का बंटवारा कर दिया गया है, लेकिन देखने में आया है कि हमीरपुर ज़िला सहित बहुत से ज़िला में जो पाइपें हैं वो अभी तक नहीं पहुंची हैं, ना ही वहाँ पे बांटी गई हैं। ये भेदभाव किया जा रहा है, कुछ क्षेत्रों में इसको बांट दिया गया है, कुछ क्षेत्रों में इसको नहीं दिया गया है। और हमारी बात की तायीद भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही कर रहे हैं। जिस तरह से ज्वाला जी के विधायक रमेश धवाला जी ने प्रश्न चिन्ह लगाया है मंत्री जी की बयानबाजी के ऊपर, उससे हमारी बात जो है वो सिद्ध होती है। आज स्थिति ये है कि लोगों को पीने के पानी की समस्या गर्मियां आने से पहले ही शुरू हो चुकी है। मंत्री जी बात कर रहे हैं कि हम सबको पेयजल मिशन के अंतर्गत पानी देंगे। अरे जब पाइपें ही नहीं बिछेंगी तो आप पानी कहाँ से देंगे? इस तरह की विरोधाभासी बातें करके हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी पाइपों की खरीद हुई है, जो भी पाइपों का आवंटन हुआ है और साथ में जल शक्ति मंत्रालय में जो नियमों को ताक पे रखकर नियुक्तियां हुई हैं, इन सब के बारे में सरकार जो है वो अपनी मंशा जाहिर करे, लोगों के सामने श्वेत पत्र लाकर ये बताए कि हमने जो खरीद की है कितने की खरीद हुई, कहाँ से खरीद की गई और जो ये बांटा गया है पाइपों को वो सबको एक समान बराबर रूप में बांटा गया है। अपने आप सिद्ध हो जाएगा कि असलियत क्या है। मंत्री जी की भाषा कुछ और है, हकीकत में ज़मीनी हकीकत कुछ और है। ये सरकार भेदभावपूर्ण तरीके से जनता को जो है वो गुमराह करने की कोशिश कर रही है।